बैक टू माई चैनल, मैं हूँ अंबिका और आप देख रहे हो ममा सन्स व्लॉग। तो आज मुझे उठने में हो गया था बहुत ही ज़्यादा लेट, मैं उठी हूँ कुछ पौने बारह बारह बजे। उसके बाद फिर घर के क्लीनिंग वगैरह सब कुछ किया मैंने, कपड़े मेरे को ड्राई करके रखी हुई है और विंडो पे डालना है मुझे। खाना बन गया है, विनय आ गए, अब बस हम जा रहे हैं खाना खाने। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बहुत ही ज़ोर से भूख लगी हुई है। और जैसे कि शाम को जाना है आज वहाँ घर पर, दीपक का बर्थडे है और फर्स्ट डे गणपति का भी है। तो अभी तो बज रहे हैं 2:40 हो रहा है, देखते देखते टाइम ऐसे निकलेगा। अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं, बाबू को नहलाना है, फिर गणपति पापा का मुझे सेटिंग करना है। जो पप्पा मेरे पास है मैं उनकी हर साल पूजा करती हूँ, तो ये सब बाकी है। शाम को उनकी आरती करके फिर मैं वहाँ के लिए निकलूँगी। तो मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या बनाया है। सब बैठे हुए खाना खाने के लिए, विनय का तारक मेहता चालू है। और ये देखो, ये मैंने बनाई है मसूर की दाल है ये, और ये बाबू के लिए सादी दाल निकाली हूँ। ये बैंगन का भरता है, ये ग्रीन चटनी है, राइस रोटी, और ये मेरे मिट्टू की थाली है पूरी। वो मिर्ची थोड़ा खाता है इसलिए मैंने राइस दाल और ये भरता रोटी। और ये मिट्टू की थाली आ गई है, कायरा इधर खा रही है, मिट्टू भी रेडी है खाने के लिए। ये देखो आपका खाना है, ठीक है। मिट्टू की भी थाली आती है पहले, पहले तो अभी तो मम्मा देती है। उधर बैठ के हम जो खाते बाबू की मिट्टू के लिए बराबर मैं निकाल के रखती हूँ खाने के लिए। ले मेरा बच्चा, कहाँ जा रहे बाबू? ये लो, पॉटी करनी है उसको, कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बहुत जोर से भूख लगी है। ते हैं खाना खाने के बाद। गाइस हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए, शिवाय भी नहा लिया था। हाँ, और मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मंदिर वंदिर क्लीन कर दिया, सारा अरेंजमेंट कर दिया। क्या हुआ? हाँ, हाथ कट गया है? कुछ नहीं, दिख भी नहीं रहा कहाँ कट है। ठीक है, तो अरेंजमेंट मैंने कर लिया है और मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोग को। ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि ऐसे तो हर साल ही करती हूँ मैं ये वाले पप्पा का, लेकिन मेरे को देख देख के बहुत खुशी हो रही है। तो मैं शाम को जब हम लोग पूजा करेंगे तब आप लोग देखिएगा। ये देखो पागल बैठी हुई है इधर ग्रानी। मैं जा रही हूँ चाय पीने। ओ माय गॉड, तो बिल्कुल भी जब से उठी हुई हूँ बैठी नहीं हूँ मैं। विनय तो मस्त सो भी गए थे, एक काम बताई थी तो सो गए थे अंदर आके। मेरा बाहर चाय लेकर आओ ना प्लीज, दे दे। देखो इतने सारे कपड़े सब धुले हुए, अंदर भी सूख रहे हैं। अब बस थोड़ा चाय पीऊंगी। और टाइम क्या हो रहा है? 5:20 हो रहा है। अभी चाय पीकर थोड़ा सा अभी 10-15 मिनट बैठूंगी, क्योंकि कंटिन्यू बैठी नहीं हूँ मैं। मैंने कैसे लग रहे हम लोग के पप्पा? मस्त लग रहे, मेरे को तो देख देख के। तो ये देखो मुंह देख के पता चल रहा है ना बंदा सोया था। मौका मिलते। और एक काम बोली थी, नींद आया था मस्त एक तो। मैं बोली बाबू ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा चाय पी लेते, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं और 2 मिनट आप चुप रहोगे। पूजा की तैयारी हो चुकी है, विनय नीचे गए हैं कुछ सामान के लिए, तभी वो आएंगे तो फिर हम लोग अपना पूजा स्टार्ट करेंगे। तो बस अब सारी चीजें रेडी करके अब बस उन्हीं का इंतजार है, बस जल्दी से आ जाए। ऊपर का सब कुछ रेडी है, मोदक मैं दिखाऊंगी। कायरा भी रेडी हो चुकी है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है किसी ने मार के बैठाया इसको। गाइस जैसे कि मैं नीचे गया था थोड़ा काम से, अभी जस्ट आया हूँ और यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ कि पूजा की तैयारी चालू है। अंबिका पूजा की है, देखिए ऑलमोस्ट सब तैयारी हो ही चुकी है। हमारे पप्पा कैसे लग रहे हैं हमको कमेंट्स में बताइएगा। बहुत प्यार से सजाया है अंबिका ने, ये देखिए आप ज़रूर बताइएगा। आरती का टाइम हो गया है, चलिए फिर आरती कर लेते हैं।
ये देखिए हमारी मंदिर भी आज एकदम बहुत ही सुंदर नजर आ रही है। अरे बंद कर दे गाइस, हम आए हुए हैं हमारी सोसाइटी की मूर्ति देखने। आ जा बाबू, इन्हें आ रहे हैं दिखा दो। दर्शन करो ना। ये है हमारी पूजा जो कि बना रही है मोदक गर्मा गर्म। आज पूजा जी एक हमको बात बताइए। पूजा जी बोलिए, ये जो आप गर्मा गर्म मोदक बना रहे हैं, ठंडा है यहाँ के लिए, बड़ा ठंडा है, अभी गर्म कल सुबह होगा। मतलब भगवान को अभी ठंडा बना के रख के फिर बासी चीज गर्म करके दे। मोदक आपने कैसे बनाना सीखा, मतलब कहाँ से सीखा? भगवान के लिए अच्छी है। शुद्ध वातावरण में आप बात करिए, वार्तालाप कीजिए। पूजा, यूज शुद्ध वर्ड्स। वाह भैया वाह, कैसा था ना बनाने का, बड़ा खुशी था। हाँ। पूजा हर साल बनाती है वैसे। नहीं, आटा गीला नहीं हुआ है। सोची फ्लैश चालू कर दूं, पूजा थोड़ी डल हो गई है। ये देखिए मलाई मावा भरते हुए। गाइस मावा भर रहे हैं। नहीं अच्छा, देखने में मस्त लग रहा है, थोड़ा खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है, खाने में भी बहुत टेस्टी। सो गाइस, हम जस्ट अभी आए हैं अपने घर। जैसे कि आप लोग ने सुबह देखा था कि मैं किस तरह सुबह से उठ के इधर ही इतने काम हो जाते हैं कि टायर्ड हो जाती हूँ मैं। ज़्यादा मुझे निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है कहीं भी, यहाँ तक मैं दोपहर में भी टाइम भी रहता है ना, तो दोपहर में मुझे ज़्यादा निकलती हूँ तो सर में दर्द वगैरह होता है। शाम को निकल जा रही हूँ क्योंकि घर पे अभी ये सारी चीज़ें चालू है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ मैं। मेरे अंदर भले कहीं जाके काम वाम ना करो,
लेकिन आने जाने में वहाँ इधर उधर करने में भी इंसान थक ही जाता है सुबह से उठ के। और अभी शिवाय का एग्जाम भी चालू होने वाला है तो मेरी एक्टिविटी, क्योंकि इधर ही घर पे बहुत काम हो जाता है, सुबह उठो बच्चों को रेडी करो, एक तो नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस अब आज का दिन खत्म हो गया, कल का थोड़ा आराम है क्योंकि कंटिन्यू ये 3 दिन से इधर उधर हो रहा है। इधर का काम कंप्लीट होता है फिर उधर जाओ, फिर उधर से आने में रात हो जाता है, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो घर का काम करो फिर उधर जाओ, तो यही हो जाता है। थोड़ा फ्री ऐसे फ्रेश माइंड मिल ही नहीं रहा है। तो बस आज का हो गया, अभी कल का गैप है। आज कौन सा दिन है विनय? मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा, माइंड एकदम आउट ऑफ है। आज ट्यूसडे है, कल का गैप है, फिर 25-26 से फिर और घर पे 25 को एंगेजमेंट है और 26 को है पूजा, और उसी 25 से ही एग्जाम शुरू हो रहा है शिवाय का। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको भेजना है, उसके बाद वहाँ जाना रहेगा, आने में लेट तो एकदम मेरा स्कूल का बस। हाँ तो बहुत मेरा सैटरडे का ओपन हाउस, पिटाई भी होगी तेरी। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।